बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूं। इन्होंने जब मुझे कमेंट किया मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि इनको जो है डॉक्टर ने ऑपरेशन तक करवाने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने मेरे टिप्स फॉलो किए जिससे इनका ऑपरेशन होने से भी बच गया, प्लस इनको नेचुरली कंसीव भी हो गया। आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इनका कमेंट शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को पूरा देखना आप लोग, ताकि अगर आपकी भी कंडीशन कुछ इस तरीके की होगी तो आप ये सारे टेस्ट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगी, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो उसको लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, इनका जो नाम है वो है जॉनी कुमार। मैं यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कमेंट का। इन्होंने जो कमेंट किया है ये आप देख लीजिए। हेलो मैम, हमने आपके 2 से 3 मंथ से सारे टिप्स फॉलो किए हैं। वॉल ऑफ दी लेग्स एंड सीट साइकिलिंग भी किया है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरी वाइफ ने नेचुरली कंसीव कर लिया है। इसके अलावा मेरी वाइफ को यूट्रस में सिस्ट भी है। आपकी बताए टिप्स बहुत अच्छे हैं। 21 मंथ से ट्राई कर रहे थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया था, फिर आपके टिप्स ने हमें हिम्मत दी और हमें बेटर रिजल्ट मिला। आपके बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू मैम। तो जॉनी कुमार ने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इन्होंने ये बताया है कि डॉक्टर्स ने इनको जो है ऑपरेशन करवाने बोला था। यूजुअली जब हमारे यूट्रस में रसोली हो जाती है तो डॉक्टर्स हमें ऑपरेशन ही करवाने बोलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, डॉक्टर की मेडिसिन के साथ साथ में सीट साइकिलिंग की, जिससे जो है इनको इम्प्रूवमेंट मिली। सीट साइकिलिंग जो करने से है इनको जो सिस्ट की प्रॉब्लम थी वो भी कम हो गई, जो इनकी यूट्रस में रसोली थी वो कम हो गई, साथ ही में इनको नेचुरली कंसीव हो गया। ठीक है, तो करीबन इन्होंने जो है 2 साल से ट्राई कर रहे थे नेचुरली कंसीव करने की, नहीं हो रहा था। डॉक्टर की मेडिसिन भी ली इन्होंने, यहाँ पे ये भी बताया, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर की मेडिसिन के साथ में इन्होंने सीट साइकिलिंग की, ओवुलेशन के दिनों में लैग ऑफ दी वॉल पोजिशन ट्राई की, तो इनको सिर्फ ये 2 टिप्स से ही कंसीव जल्दी से जल्दी हो गया। तो अगर आपकी भी कंडीशन कुछ इसी तरीके की है तो आप भी ये सारे टिप्स फॉलो करके कंसीव कर सकते हैं। जब इन्होंने कमेंट किया था मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो किसी का फ़ायदा हो गया है, इनकी जो ऑपरेशन की नौबत थी वो कम हो गई, प्लस इनको नेचुरली कंसीव भी हो। यहाँ पर जो है मैं इनके सारे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि इनको प्रॉब्लम क्या थी। आपको जो है यहाँ पे दिख रहा है, जॉनी कुमार ने बताया कि यूट्रस में रसोली थी मैम और पीरियड भी रेगुलर नहीं हो रहे थे। बहुत मेडिसिंस ली बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, बट फिर मेडिसिन के साथ आपके टिप्स फॉलो किए जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इनसे जो है मैंने चैट पर ही बात कर ली थी। कल जो मैंने वीडियो लास्ट अपलोड किया था आपके क्वेश्चन के आंसर वाला, अगर आप वहाँ पर जाके विजिट करेंगे तो आपको इनका क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा, सॉरी इनका कमेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने इनसे बात की है कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, कितने मंथ से ट्राई कर रहे थे, सब कुछ इन्होंने बताया। बहुत सारे लोगों ने जो है, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने इनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा है, तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो, उसके अंदर आपको वहाँ पे कमेंट मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में एक कमेंट और शेयर कर रही हूँ। इनका नाम है हर्षिता गुप्ता। इन्होंने कंसीव तो नहीं किया है लेकिन इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैम, मैंने थोड़े दिन फ्लैक्स सीड खाए थे और मेरा AMH पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। मैम प्लीज़ बताइए मुझे और क्या करना चाहिए, मैम प्लीज़ रिप्लाई। तो हर्षिता गुप्ता ने ये बताया है कि फ्लैक्स सीड के इस्तेमाल से, सिर्फ और सिर्फ फ्लैक्स सीड के इस्तेमाल से, वो भी थोड़े दिन ही इस्तेमाल किया, जिससे इनका जो AMH का वैल्यू है वो इम्प्रूव हुआ है। यूजुअली डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि AMH का वैल्यू हम इम्प्रूव नहीं कर सकते मेडिसिन से भी, लेकिन जो हर्षिता गुप्ता जो है इन्होंने कमेंट करके मुझे बताया कि फ्लैक्स सीड जो है उन्होंने थोड़े दिन इस्तेमाल किया, जिससे उनके AMH के जो वैल्यू है उसमें इम्प्रूवमेंट मिली है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि मैडम AMH के वैल्यू को कैसे इम्प्रूव करें, तो ये कमेंट शायद आप लोगों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप लोगों को भी AMH का वैल्यू इम्प्रूव करना है, मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकती लेकिन ट्राई करके देखिए, फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करके देखिए, दिन में 1 चम्मच या 2 चम्मच, शायद आपका भी AMH का वैल्यू जो है वो इम्प्रूव हो जाए और आपको भी जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाए। तो आज के लिए ये 2 ही कमेंट्स थे फ्रेंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, और अगर आपकी भी कंडीशन कुछ इसी तरीके की है तो आप भी ये सारे टिप्स फॉलो करके नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने नेचुरली कंसीव किया है, आप वो सारे मेरे वीडियो देख लीजिए मोटिवेशनल स्टोरी, जिसमें आपको जो है अपनी कंडीशन के हिसाब से किसने कौन से टिप्स फॉलो की वो मिल जाएगा, और आप भी वो सारे टिप्स फॉलो करके नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स में शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।